तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी। तो ये है मेरा आउटफिट। आज हम लोग जा रहे हैं लाजपत नगर और मुझे करनी है अपनी ईद की शॉपिंग और मैं वहाँ पे दिखाऊंगी बाजार में और क्या क्या मिलता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आओ। गुड बॉय। हाय भाई। चलो 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 जल्दी आओ। पानी नहीं है इसके अंदर, ठंडा होगा। बॉटल ले लेंगे, रख दीजिए इसको। हाँ? इसको रख दीजिए फ्रिज में, जहाँ जाओ लेट जाता है। चल सारी मार्केट दिखाऊंगी कि कैसी मार्केट है वहाँ पे। मैं तो 100 बार जा चुकी हूँ वैसे, बट स्टिल मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, बिकॉज वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें देख के। और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब आपको बजट में ही ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। और 10-15 मिनट हो गए हम लोग को निकले हुए और हम लोग को लगेगा थोड़ा लाइक 20 मिनट्स मोर और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे लाजपत नगर। 20 मिनट तो नहीं लगेंगे मुझे लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा। हाँ मतलब 25-30 मिनट शायद। चलो थोड़ी सी देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद मैं वहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि कैसा कैसा है। सो स्टे ट्यून। दिल्ली की शान ऑटो भाई जान। मेरा भाई लो बाजार घूमे घूमे करेगा, यहाँ लगा ले। कहाँ पर है? बिल्ला नहीं है मालू मालू। तो लाजपत नगर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से ही मार्केट जो है स्टार्ट हो जाती है। तो आपको यहीं पर ही साइड में ही आप कहीं भी कार जो है अपनी पार्क कर सकते हो और मार्केट ऐसे स्टार्ट हो जाती है। और मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपको कुर्ती पट्टा टॉयज़। तो हम लोग यहाँ टॉयज़ भी देखने लगे। देखना आगे से ले सकते हैं। नहीं ये बहुत सही लगे। कितने के मालू? ये नहीं अच्छी लगी इसे। एलिफेंट ये वाला आपका डॉग। ओए ओमडूम ये पसंद है मालू? ये वाला है इसे। क्या है क्या 500 में दो लो, 500 में दो, 500 में दो, 500 में दो कर दिएगा। सो यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस जो है स्टार्ट हो जाती है और मेन एंट्रेंस पे जैसे ही आप जाते हैं वहाँ पे आपको बहुत सारे फूड स्टॉल भी दिखते हैं कि आप आए हो तो कुछ खा पी लो, फिर आप शॉपिंग करने भी जा सकते हो। और वहाँ पे एक साइड में ही यहाँ पे एक मोमोज वाले की दुकान है, वो मेरी फेवरेट है, वो है डोलमा मोमोज। और वो बहुत ही अमेजिंग पनीर मोमोज बनाते हैं और आई जनरली लाइक पनीर मोमोज जब मैं बाहर जाके कहीं खाती हूँ तो। सो ये मार्केट और मार्केट्स की तरह थोड़ी क्राउडेड है, बट ऑफकोर्स सरोजनी मार्केट जितनी क्राउडेड नहीं है। सरोजनी मार्केट में तो आप चल भी नहीं सकते। उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे सामने ही ज्वेलरी वाले की शॉप दिख गई और ये बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ज्वेलरी जो है वो बेच रहे थे। तो मुझे और ये सारा जितना भी है ना ये 150 की रेंज में है, तो मुझे लगा इसका प्राइस तो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये सारी बोहो ज्वेलरीज हैं, तो मैं जनरली जो है मुझे बहुत अमेजिंग लगती है तो मैं पहनती हूँ ज्वेलरीज, तो मैंने इसमें से 2 ले लिए हैं। और मैंने जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे यही मैंने लिया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये मैंने लगा के देखा, मुझे ऐसे बहुत ही ज़्यादा जो ऐसे जंग ज्वेलरी होती है वो बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये आप किसी सूट ऑथेंटिक सूट्स वगैरह पे अच्छे से स्टाइल कर सकते हो, मतलब जैसे इंडियन सूट्स वगैरह पे आप बहुत आराम से इसे स्टाइल कर सकते हो। और मैंने एक और लिया, ये भी बहुत ही अमेजिंग लग रही थी मुझे, इसमें मैंने ग्रीन लिया। उसके बाद मैं जा रही हूँ आगे कुर्तीज़ वगैरह देखने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बजट में कुर्तीज़ वगैरह मिलती है। तो मैंने आगे देखी एक कुर्ती, उसका मुझे गला बहुत ही अमेजिंग लगा, अभी आप देखोगे ये आ जाएगा। अच्छा लग रहा है वैसे ये। कुर्ते को लेने का रीज़न यही था, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा और इसका जो नेक है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। हाँ बच्चू, वो ये लहंगा कितना सही लग रहा है। लहंगा तो है, कौन सा ये लहंगा? नहीं यार
तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ सूट वगैरह मिले, यहाँ पे आपको वेस्टर्न वेयर भी मिल जाएंगे जैसे कि टॉप जीन्स एंड ऑल भी। तो आप यहाँ पे अंदर जाके ये वाली जो एक शॉप है आप यहाँ भी जा सकते हैं, ये अच्छी शॉप है। सो इससे पहले जो है ना मैंने अपना लहंगा लिया था वो भी मैंने इसी शॉप से लिया था, तो मैंने सोचा कि ईद के कपड़ों के लिए भी हम इस शॉप को कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए कुछ ऑप्शन देखने के लिए, मतलब ओकेजन के हिसाब से देखोगे या कैसे वैसे देख रहे हो इन जनरल? ईद के लिए ना। हाँ मैं वही के लिए, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक ईद के लिए ग्रीन टाइप का देखना होगा या ऐसा कुछ भी नहीं है? धोती पहनते हैं कट थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो उस शॉप से तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, तो मैं आगे आ गई और फिर यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप थी जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट बाहर भी मिल रहे थे मगर उतने अच्छे नहीं लगे मुझे। तो हम लोग ऐसे ही थोड़े रैंडम शॉपिंग करने लग गए और मैंने कुछ कुर्तियाँ वगैरह ली, वो मैं आपको ना अगले एक हॉल भी बनाऊँगी मैं यहाँ का, तो आप उसमें भी देख सकते मैंने क्या क्या लिया। ऐसे कुछ कहते हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट मैंने लिया साइज दे दूँगी तो इस शॉप पे भी मैं गई ना, तो यहाँ पे भी साइजेस का बड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे एक्सेल लिखा था मगर वो एक्सेल नहीं है, डबल एक्सेल लिखा है वो छोटा है, एक्सेल बड़ा है, लार्ज छोटा है, आई डोंट नो ऐसा चल रहा था वहाँ पे। सो यहाँ पे ना ऐसे आपको चप्पलों एंड सैंडल्स वगैरह की भी जो है ना शॉप दिख जाएगी और ये बहुत ही सही रेंज में होता है, लाइक 250 and 300 समथिंग में, तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। और फिर यहाँ पे बहुत सारे सॉक्स बैग्स जितना भी आपको सामान चाहिए जो घर के लिए होम डेकोर वगैरह ये सब भी यहाँ पे मिलता है, तो ये प्रॉपरली एक बड़ी मार्केट है। कपड़े के ठीक, लाजपत नगर की लाइट चली गई है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। नहीं मैम, हाँ अच्छा लग रहा है, कुर्ती प्यारी लग रही है, पता नहीं क्यों ब्लू कलर ऐसे एक्वा के ब्लू कलर सारे अच्छे लग रहे हैं बहुत। येलो लीजिए, येलो थोड़ा डिफरेंट है, हाँ प्यारा लग रहा है वो, अच्छा भी लगेगा। हाँ इट्स हाँ मतलब जिससे ऐसे ये प्रॉपरली पूरा ड्रेस देख ले, ऐसे वाली हाँ ये वाइट वाला तो अभी भी रखा हुआ है। मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस है यार, सारे कप मेरे लिए ही हैं। आप बताओ कौन सा वाला अच्छा लग रहा है? सर आपको कौन सा पसंद है कप दिखाओ? मुझे एक वो वाला भी अच्छा लग रहा है, उसमें कुछ है थोड़ा ज्यादा है। या ओके टू बाय बाय स्टोर आ गया आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ स्नीक पीक। फाइनली मेरे ईद के कपड़े भी आ गए और मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो सब मैंने कर लिया और मैं एक और लाजपत नगर हॉल भी बनाऊंगी। सो मेरी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम लोग घर निकलने वाले हैं। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।